नमस्कार, TV20 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, पीजी कॉलेज, ITI व पॉलिटेक्निक कॉलेज की सहित अन्य कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों को बुलाकर निर्देश दिया कि हर दूसरे दिन ऑनलाइन एजुकेशन की प्रगति रिपोर्ट देते रहें, ताकि छात्र छात्राएं ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकें। अभिभावक बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराएं, अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने का कार्य करें, जिसकी समीक्षा मेरे द्वारा लगातार की जा रही है। आइए सुनवाते हैं जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक को और PG कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को, ITI पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल्स को बुला के समीक्षा की गई है और उनसे मैंने अपेक्षा किया है कि वो हर दो दिन पर मुझे आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि कितने छात्र छात्राएं ऑनलाइन सिस्टम से जुड़कर ई प्लेटफॉर्म पर ई लर्निंग से एजुकेशन प्राप्त करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने जो सरकार से सिलेबस स्ट्रक्चर्ड आए हैं या जो हमने तैयार कराए थे, उसको कितना अपलोड किया है और उसके विषय में प्रतिदिन छात्रों से कितने रूबरू हो रहे हैं, इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मेरे स्तर से हो रही है। सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपके पास है तो जिस पीरियड में विद्यालय के लोग उनसे ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए निर्देश भेज रहे हैं, आप अपने अपनी किसी जिम्मेदार की उपस्थिति में अपने बच्चों को जरूर जोड़ने दें, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठा सके। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था पहले से चली आ रही है, अब ऑनलाइन किताबों की डिलीवरी के लिए भी संबंधित बुक डीलरों को आदेशित कर दिया गया है, जिससे अब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के साथ नए सत्र की किताबें भी उपलब्ध रहेगी। जिलाधिकारी की पहल पर बुक डीलर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया है और कहा है कि इस बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के साथ ही समय से किताबें उपलब्ध हो पाएंगी। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में सुविधा की दृष्टि से ऑनलाइन सिस्टम पहले से ही चल रहा है। भारत सरकार ने एक छूट की श्रृंखला में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों की दुकानों को भी छूट दिया है। हमने आज जितने भी थोक विक्रेता पुस्तकों के यहाँ पर हैं, सबकी एक बैठक बुलाई और ये तय किया है कि दुकान तो खुलेगी लेकिन जो भी सप्लाई होगा वो होम डिलीवरी होगी। कोई भी विद्यार्थी या अभिभावक दुकान तक लेने नहीं जाएगा, उनके टेलीफोन नंबर्स हम रिलीज़ कर रहे हैं, आप उनसे फ़ोन करके जो ऑर्डर करेंगे उनको हम होम डिलीवरी के लिए अलाउ कर रहे हैं, वो होम डिलीवरी कराएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की और अच्छे काम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि चीनी रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता जांच कर प्रयोग में लाना जनता से धोखा है। पूरे देश में लखनऊ लॉकडाउन जारी है, ऐसे में सभी लोग रोजा घर पर रखें, इफ्तार भी और नमाज भी घर पर ही पढ़ें और कोई भी घर के बाहर न जाए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से लखनऊ में गाड़ियों के जरिए मोहल्लों में अनाउंसमेंट की जा रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट इलाकों में कोविड मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मेरा मुस्लिम भाइयों से अपील है कि तरावी की नमाज भी बाकी नमाजों की तरह अपने घरों में ही रहकर अदा करें। डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर, एक डॉलर के मुकाबले रुपया 76.88 तक गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 76.88 तक रुपया गिरा है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि उज्ज्वला योजना अंतर्गत के जो सिलेंडर धारक हैं, महीने के पहले सप्ताह में ही 1,95,000 की धनराशि खाते में आ गई है। अधिकांशतः लोगों को सिलेंडर डिलीवर किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना में ये नियम है कि जब तक आप रेगुलर धनराशि का उपयोग नहीं कर लेते तब तक अगली धनराशि आपके खाते में नहीं आएगी। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने। उज्ज्वला के विषय में स्थिति भिन्न है। उज्ज्वला में धनराशि
जो उज्ज्वला के लाइसेंस धारक हैं, सिलेंडर धारक हैं, उनको महीने के प्रथम सप्ताह में 10 तारीख तक पहले धनराशि आई, 1,95,000 लोगों की धनराशि खाते में आई है। अभी तक 92,000 लोगों ने बुकिंग कराई है, 75,000 के लगभग लोगों को सिलेंडर चला गया। उज्ज्वला में नियम यह है कि जब तक आप सिलेंडर नहीं ले लेते हैं, डिलीवर नहीं हो जाता है, तब तक अगली बार आपको धनराशि खाते में नहीं आए। इसका मतलब है कि उज्ज्वला की धनराशि जो आपके खाते में गई है, उसको ग्राहक सेवा केंद्रों से, बैंक मित्रों के माध्यम से, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से, बिना बैंकों पर भीड़ लगाए अपने आधार नंबर के साथ जा करके अपनी राशि को निकालें, गैस की बुकिंग कराएं और 30 अप्रैल से पहले सिलेंडर डिलीवर करा लें, ताकि मई के प्रथम सप्ताह में फिर आपके खाते में धनराशि आ जाए। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आपदा राहत मद में राशन वितरण की व्यवस्था 10 दिन के लिए दी जा रही है, जिसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल और तेल, दाल व अन्य खाद्य सामग्री दिए जा रहे थे। अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है और अब सप्ताह में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल व अन्य सामान ही दिया जाएगा। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। प्रदेश सरकार ने जो आपदा मद से राशन वितरण की व्यवस्था है, उसमें पहले 10 दिनों के लिए दिया जा रहा था, अब उन्होंने नियम में कल परिवर्तन करके एक एक सप्ताह के लिए वितरण करने के निर्देश दिए हैं। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि सभी की जानकारी में रहे कि पहले जो मात्रा जा रही थी वो 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, ये लगभग 12 दिनों के लिए जा रही थी। 1 किलो दाल, आलू, तेल, अब उन्होंने वहाँ से एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है, मानकीकृत कर दिया है कि एक सप्ताह के लिए दिया जाएगा 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 3 किलो आलू, 1 लीटर तेल, नमक, मसाले और मिर्च। तो अब पैकेट शासनादेश के अनुसार ही पहुंचेंगे, किसी को भ्रम न हो, इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा। शिक्षकों में अधिकांशतः पुरुष को ही राशन वितरण के काम में ही लगाया गया है। जिन शिक्षकों के बच्चे 5 साल से नीचे के हैं, उन्हें इस काम में नहीं लगाया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारी योजनाएं ग्राम स्तर पर मनरेगा, जल संसाधनों या हैंडपाइपों के मरम्मत का काम शुरू हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी की अहम भूमिका है। उनको राशन वितरण में लगाने पर उनका महीने में 20 से 25 दिन समय सुबह से शाम तक इसी में चला जा रहा है। वह काम भी जरूरी है, क्योंकि अब वो 20 अप्रैल से शुरू हो चुका है, इसलिए राशन वितरण किसी सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में हो, इसलिए जिलाधिकारी ने यह काम शिक्षकों को लगाने के लिए बीएससी को निर्देश दिया है। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारी योजनाएं ग्राम स्तर पर, मनरेगा या जल संसाधनों या हैंडपंपों की मरम्मत का काम शुरू हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत के सेक्रेटरीज की बहुत अहम भूमिका है। उनको राशन वितरण में लगाने पर उनका महीने में 20-25 दिन समय सुबह से शाम तक इसी में चला जा रहा था। वो काम भी ज़रूरी है, अब चूँकि प्रारंभ हो गया है 20 अप्रैल से, इसलिए राशन वितरण किसी सक्षम अधिकारी के उपस्थिति में ही हो, इसलिए हमने शिक्षकों को लगाने के लिए बीएसए साहब से निर्देश बीएसए साहब को दिया है। ये ज़रूर उनको निर्देश दिया है कि जो भी शिक्षक लगाएं, वो यथासंभव पुरुषों को लगाएं। महिलाओं के यदि लगाते हैं तो ऐसी महिलाओं को लगाएं जो अपने वाहन से पहुंचती हैं, सक्षम हैं, या जिनके 5 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं है। और उन शिक्षकों को पहले नागरिक आपूर्ति के नियमों के विषय में 24, 25, 26 में
प्रशिक्षित कर दिया जाए। ABSS को हमने प्रशिक्षित कर दिया है, ABSS सप्लाई इंस्पेक्टर को प्रशिक्षित कर देंगे और वो मई में जो वितरण होगा उसके राशन वितरण अधिकारी के रूप में इस आपदा में उनको लगाया गया है। मुझे उम्मीद है कि शिक्षक तन्मयता के साथ आम आदमी तक पारदर्शी ढंग से राशन पहुंच जाए। इस COVID-19 के महामारी के रोकथाम और इस महायुद्ध में अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप से लगाएंगे और आम आदमी तक राशन पहुंचवाने में मदद करेंगे। गाजी आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा लॉकडाउन को पूर्णतया सुनिश्चित कराने हेतु रेलवे स्टेशन आजमगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय DIG रेलवे सुरक्षा बल गोरखपुर मंडल डॉक्टर SK सैनी व मिर्जा राशिद बैग प्रभारी निरीक्षक थाना रेलवे सुरक्षा बल आजमगढ़ मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफार्मों का लगभग 2 किलोमीटर भ्रमण करने के उपरांत DIG आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी के साथ रेलवे स्टेशन से लेकर मूसेपुर चौराहा, पहलवान मूर्ति चौराहा, नरौली चौराहे, नरौली पुल होते हुए थाना सिधारी तक कुल 7 किलोमीटर फूट पेट्रोलिंग की गई। फूट पेट्रोलिंग के दौरान आने जाने वाले वाहनों को चेक करते हुए लोगों को लॉकडाउन का अनुपालन करने की नसीहत दी गई। साथ ही प्रत्येक चौराहे तिराहे पर उपस्थित फोर्स को मनोयोग से ड्यूटी करने के साथ साथ उनको लॉकडाउन का पूर्णतया अनुपालन कराने हेतु पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी करने निर्देशित किया गया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद से भेजे गए सभी सैंपल नेगेटिव आए हैं, जिसमें 37 में से 13 मुबारकपुर के चकसिकटी गांव के हैं। पत्रकारों द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जिले में एक संदिग्ध मौत हुई है, जिस पर लोगों को आशंका है। जिलाधिकारी ने कहा कि चिकित्सकों और परिजनों से बात करने पर पता चला कि मौत की वजह बीमारी थी, फिर भी मैंने मरीज के परिजनों को क्वारंटाइन में रखवा दिया है। आइए सुनते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। जनपद में जो सैंपल भेजे गए थे 18 तारीख के, उनके परिणाम आए हैं, जिसमें सभी नेगेटिव हैं। उस 33 में से 13 सैंपल मुबारकपुर चकसिकटी के भी थे, वो भी नेगेटिव है। चिकित्सकों ने मुझे बताया कि वो एक रूटीन मौत है, स्थानीय डॉक्टरों को जो भेजा गया था परिजनों से वार्ता के आधार पर, लेकिन चूंकि आसपास के लोगों को आशंका थी, इसलिए मैंने उनके परिवार के सभी लोगों को क्वारंटाइन करा करके उनके सबके सैंपल कल भिजवा दिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी डिजास्टर कमांडर के रूप में होते हैं। सब डिवीजन स्थल पर इंसिडेंट कमांडर के रूप में उप जिलाधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है, ताकि जितने भी आपदा प्रबंधन के निर्देश हैं दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस, स्वास्थ्य, आपूर्ति, स्वच्छता सहित सभी लोग इस कार्य में लगे हैं, जिससे वे अपने संबंधित क्षेत्रों में अपने कार्यों को कर सकें। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी डिजास्टर कमांडर के रूप में होते हैं। सब डिवीजन स्तर पर इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया जा सकता है, जिसकी देख रेख में बाकी विभाग आपदा प्रबंधन का कार्य करते हैं। सभी संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को इंसिडेंट कमांडर नियुक्त कर दिया गया है, ताकि जितनी भी आपदा प्रबंधन के निर्देश हैं, गतिविधियां हैं, उनके नेतृत्व में ही पुलिस, स्वास्थ्य, आपूर्ति, शिक्षा, मार्केटिंग, सफाई, स्वच्छता, जो भी डिपार्टमेंट हैं, विकास, पंचायत राज, जो भी आपदा प्रबंधन में जिसकी जो भूमिका है, वो इंसिडेंट कमांडर के नेतृत्व में संबंधित तहसीलों में अपने कार्यों का निष्पादन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि अप्रैल, मई, जून माह तक की फीस छात्र छात्राओं से नहीं ली जाएगी और ना ही ट्रांसपोर्ट का भाड़ा वसूला जाएगा और ना ही किसी छात्र का नाम काटा जाएगा और ना ही उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मेरा आदेश लागू रहेगा। आइए सुनवाते हैं कि अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। ये भी निर्देश समस्त विद्यालयों को भेजा गया है कि किसी भी छात्र छात्रा से या उसके अभिभावक से जो अप्रैल, मई, जून की फीस एडवांस में ली जा रही थी या कोई ट्रांसपोर्ट का जो संभावित या पूर्व से कोई एरियर रहो, पहले हमने 30 अप्रैल तक उस पर रोक लगाई थी,
अब ये लॉकडाउन पीरियड तक, जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक कोई भी विद्यालय बाध्य नहीं करेगा जमा करने के लिए, और न ही इस आधार पर कोई विलंब शुल्क लगाएगा, न ही किसी छात्र छात्रा का नाम काटेगा और न ही कोई पेनल्टी लगाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि एक टीम के द्वारा जांच कराकर विगत 5 दिनों में लगभग 1250 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है और संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने पुलिस और आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिया है कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि इस तरह के कारोबार पर रोक लगाई जा सके। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। आपके विरुद्ध इधर एक सप्ताह से विभिन्न टीमों को भेज करके कार्रवाई कराई गई है, जिसमें विगत 5 दिनों में लगभग 1250 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है और संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मैंने और सख्त निर्देश दिया है पुलिस और आबकारी निरीक्षकों को कि इस पर विशेष दृष्टि रखी जाए ताकि अवैध शराब का विनिर्माण और विक्रय ना हो। जो वर्तमान जो शॉप्स हैं, जो ऑफिशियल शॉप्स हैं जो बंद हैं, उनका भी समय समय पर निरीक्षण हो ताकि वो चुपचाप या अवैध तरीके से शराब की बिक्री ना करें। लोगों से ये भी आग्रह है कि यदि कोई ऐसी सूचना मिलती है तो कंट्रोल रूम को जरूर नोट कराएं ताकि इस पर प्रभावी रूप से प्रवर्तन का कार्य किया जा सके। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि जो प्रवासी छात्र छात्राएं बाहर से आए हैं उन्हें कोई लक्षण नहीं था, इसलिए उन्हें हम होम क्वारंटाइन कराए हैं, जिनका एडिशनल निरीक्षण जरूरी है जो रैपिड किट 100% कन्फर्मेशन नहीं है। जिलाधिकारी ने BSA को नामित किया है कि वो शिक्षकों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। जो प्रवासी लोग बाहर से आए थे उनको भी होम क्वारंटाइन किया गया था स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर, कि अगर लोगों का प्रथम दृष्टया कोई लक्षण नहीं था तो उनको होम क्वारंटाइन किया गया था। इन बच्चों के लिए एडिशनल प्रिकॉशन किया गया था रैपिड किट का। वैसे स्वास्थ्य परीक्षण तो डॉक्टर्स ने जैसे बाकी लोगों का किया था इनका भी किया है, लेकिन रैपिड किट एक एडिशनल मेजर था, एक एडिशनल प्रिकॉशन का। साथ ही ये स्वाभाविक है कि रैपिड किट पहले भी 100% COVID-19 के वायरस के कन्फर्मेशन का माध्यम नहीं था। 100% कन्फर्मेशन के लिए उसमें लिखा भी है कि ये 100% से कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन का माध्यम तो जो बेसिकली टेस्ट लैब में हो रहा है वही है। साथ में इन बच्चों के लिए पहले से ही गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि जितने भी बच्चे थे उनके नाम और टेलीफोन नंबर एड्रेस हमारे पास हैं, और उन सबके लिए BSA को नामित किया गया है कि प्रतिदिन ब्लॉक वाइज उन बच्चों से शिक्षक दिन में 2 बार उनसे वार्ता करके उनके हेल्थ के बारे में जानकारी लेते रहेंगे और उनके होम क्वारंटाइन के विषय में उन्हें जागरूक करते रहेंगे। अगर कोई भी हल्का फुल्का लक्षण आता है तो तत्काल स्वास्थ्य की टीम उनके यहाँ पहुँचे। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है जो आज समाप्त हो जाएगा। अब तक 16,054 परिवारों के 1,02,302 सदस्यों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें 1 माह के अंदर विदेश से आने वाले 27 लोग हैं और अन्य जगहों से आए 96 लोग हैं और खांसी बुखार व अन्य बीमारियों से पीड़ित 59 लोग पाए गए हैं। यही सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। कल आप लोगों ने पूछा था कि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पर डोर टू डोर सर्वे हो रहा है या हो रहा है तो कितना हुआ है। अभी तक कल तक 16,054 परिवारों का 1,02,302 सदस्यों का डोर टू डोर सर्वे हो चुका है, जिसमें 1 माह के अंदर विदेश से आए हुए 27 लोग और अन्य क्षेत्रों से आए हुए 96 लोग मिले हैं। बुखार, खांसी, श्वास से पीड़ित लोग 59 लोग मिले हैं। ये सर्वे आज पूर्ण होने की संभावना है। नगर पालिका से सटे हुए
एक दो गांव ऐसे हैं जो नगर पालिका में नहीं है लेकिन वो व्यवहारिक रूप से नगर पालिका के हिस्से हैं। उसमें से कोलबाज बहादुर, कोल पांडे का तो हो गया था, लेकिन एक दो गांव और हैं, उनका भी सर्वे हमने आदेश किया है कि नगर पालिका की यही टीम जो बचे हुए एक दो गांव हैं सटे हुए नगर पालिका के, उसका भी कल कर दें और इसके बाद इनकी सैम्पलिंग 24-25 में कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कल बैंकों का निरीक्षण किया जिसमें पता चला कि महिला ने बताया कि उसने कल पैसा निकाला था और आज फिर उसे जमा करने आई थी। महिला को यह डर था कि जो सरकारी धनराशि उसके खाते में आई है कहीं वह सरकार के खाते में न चला जाए। इसी गलतफहमी में बैंकों में भीड़ ज्यादा लग रही है। जनधन का पैसा 3 महीने तक आपको रेगुलर मिलता रहेगा, उस पैसे को आप निकालें या न निकालें आपके खाते में पड़ा रहेगा। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। जनधन में महिलाओं की भीड़ बैंकों में इसलिए बहुत हो रही है, कल मैं एक बैंक में गया तो पता चला एक महिला 500 रुपये निकालती है जनधन खाते से और थोड़ी देर बाद फिर उसको जमा करने भी आती है। इत्तेफाक से मैं जब उसी से पूछा तो उसने कहा जमा करने हैं। हमने कहा निकाला कब? बोले आज ही। तो उसको ये भ्रम था कि यदि हम खाते से पैसा नहीं निकालेंगे तो पैसा वापस चला जाएगा, ये अगले महीने नहीं मिलेगा। मुझे ये स्पष्ट करना है कि ये भ्रम है, ये अफवाह है। जनधन का जो पैसा है 3 महीने 500-500 रुपये आएगा, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसको निकालेंगे, ये वापस नहीं जाएगा और ना ही इस महीने ना निकालने पर अगले महीने नहीं आएगा, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। पहले तो ये था कि अगर नहीं निकालेंगे तो फिर अगले महीने। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के बोगरिया बाजार में आजाद कल्याण समाज सेवा समिति के नेतृत्व में पूरे बाजार वासियों द्वारा पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों पर पदयात्रा में फूलों से बारिश कर लोगों को सम्मानित किया, जिसमें क्षेत्राधिकारी लालगंज अजय कुमार यादव, थाना अध्यक्ष तरवा देवेंद्र कुमार सिंह, बोगरिया व रासेपुर चौकी प्रभारी शिवभंजन सहित जयमंगल यादव, ओम प्रकाश साथ पुलिसकर्मियों को अंगवस्त्र देकर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी व मेहनगर तहसील के सदस्यों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। ऐसा लग रहा है और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये खबर यूपी के राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ के सदर थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत लॉकडाउन में अपने घरों से निकलकर रेलवे क्रॉसिंग पार कर दूसरे क्षेत्र में जा रहे लोगों को पुलिस के रोके जाने के बाद पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई है। झड़प के बीच कैंट थाना के पुलिस का एक सिपाही घायल हुआ है। हमला करने वाले उपद्रवी फरार हो गए हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है। सुनाते हैं कि पुलिस उपायुक्त पूर्वी क्या कह रहे हैं। इस कैंट एरिया में जो हॉटस्पॉट है उसमें एक गश्त पार्टी, घूमने पुलिस की गश्त पार्टी गई हुई थी। पुलिस की गश्त पार्टी जब रेलवे ट्रैक की तरफ गई थी, वहाँ पे 10-12 लड़के बैठे हुए मिले। उन 10-12 लड़कों को पुलिस पार्टी ने हिदायत दिया कि वो लोग अपने घर चले जाए, तो उनमें से एक दो लड़के ना जाके पुलिस के साथ धक्का मुक्की और झड़प कर लिए। उसमें से एक लड़के के नाखून से हमारे एक पुलिस कांस्टेबल के नाक में फरोज आ गई और बाकी जब पुलिस बल और
वो किए तो बाकी इधर के वहाँ से भाग गए। पत्थर लगना या पत्थर टलना इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन एकदम गलत है। धन्यवाद। आजमगढ़ बुक एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल आज मनीष रत्न अग्रवाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला, जिसमें जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुनकर यह आदेश दिया कि समस्त आजमगढ़ जिले में पुस्तकों एवं स्टेशनरी कापियों का डोर टू डोर सप्लाई विक्रेता कर सकेंगे। प्रतिनिधिमंडल में मनीष अग्रवाल, मणिरत्न अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, महेश अग्रवाल, हेमंत गर्ग, राहुल गोयल, कृष्ण कुमार अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, विकास अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। बताया सर, किस मामले को लेकर आप लोगों की बैठक थी क्या? आज हम लोग डीएम साहब से जो है आजमगढ़ बुक ट्रेड को लेकर के बात किए कि बच्चों को किताबें कैसे उपलब्ध होंगी और किस तरह से उपलब्ध होंगी। तो डीएम साहब का इस मामले में बहुत सकारात्मक सहयोग मिलने की स्थिति रही। उन्होंने कहा कि आप लोग ऑनलाइन किताबें गार्जियन तक पहुँचाने की कोशिश करिए, आप लोग अपना नंबर दे दिए और देहात में जहाँ पर जो स्कूल है वहीं से उन लोगों की किताबें सप्लाई हो जाएंगी। और डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए कि उन्होंने हम लोगों के ट्रेड के बारे में सोचा है।